गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों को एक बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल सिखाने वाले हैं, यानी अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग यही बात सीखे कि अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा, लेकिन वो जो प्रोसेस था वो हमारा एसिडिक मीडियम में था, यानी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन थ्रू द एसिडिक मीडियम जिससे अल्कोहल बनता था। उसकी एक डिसएडवांटेज यही है कि मीडियम जो है वो एसिडिक होता है और हमेशा एसिडिक मीडियम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमेशा हार्म करते हैं, उसके कहीं ना कहीं ब्रेकेज कर देते हैं, जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स परफेक्ट नहीं हो पाता है। और साथ साथ उसमें एक और बड़ा डिमेरिट था कि उसकी रीअरेंजमेंट होने लगती थी, इसलिए डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम ऑब्टेंड नहीं हो पाता था। तो यही दो डिसएडवांटेज है हमारा एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम ऑफ द अल्कीन। लेकिन उन दोनों डिसएडवांटेज को इसमें ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी ये एक बेस्ट तरीका होगा। इसमें कोई एसिडिक मीडियम नहीं होगी, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी और यूँ कह सकते हैं कि ये अल्कोहल बनाने का हमारा एक लैब मेथड है। तो शुरू करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो देखो, अगर हम इसमें एक ऐसा ये रिएजेंट यूज कर दें, यह सपोज करो ये हमारा अल्कीन है, ठीक। अब इससे हमको अल्कोहल बनाना है, तो अल्कीन से अल्कोहल बनेगा तो सब कुछ वही है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके जगह पर OH और यहाँ पर H हमारा अटैच होगा, ये अल्कीन से अल्कोहल बनेगा। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन जो है वो हमारा क्या है, अल्कोहल से अल्कीन बनाना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि रिएजेंट यूज करना है, तो रिएजेंट जो होते हैं वो दो पार्ट में यूज करते हैं। एक जो होता है मर्क्यूरिक एसीटेट यूज करते हैं, इनके प्रजेंस में ही वाटर का एडिशन होता है, H2O ऐसे लिखते हैं। और दूसरा जो होता है वो हमारा NBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये दो रिएजेंट के हेल्प से हम अल्कीन से क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनता है। यहाँ सब कुछ वही है, सिर्फ एक OH यहाँ पर अटैच हुआ है और एक H यहाँ पर अटैच हुआ है, यानी वाटर का इसमें एडिशन है। लेकिन इसको हम लोग इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ द वाटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें H और OH दो अलग अलग सोर्स से आते हैं, लेकिन ओवरऑल देखो तो इसमें वाटर का एडिशन होगा। तो पहले इसको आप नोट करो, ओके नोट करो। अभी हम लोगों ने बात किया कि इस तरह के अल्कीन से हमको अल्कोहल बनाना है, तो क्या यूज करते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAC2 लिखते हैं और वाटर लिखते हैं, इसी वाटर से OH यहाँ पर अटैच होता है, यही देखते चलना है। OH अटैच होगा इस वाटर से और दूसरा जो है सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 ये सोर्स देगा H, तो यहाँ पर ये H आएगा, ये H का सोर्स ये है और OH का जो सोर्स जो है वो हमारा वाटर, और इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग सीखते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट इट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इट, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानो। पहला ये है कि ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है, इनडायरेक्ट प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन, अल्कीन में वाटर का एडिशन जो होगा वो इनडायरेक्ट बोलेंगे। दूसरा जो है इसमें नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, आप देख रहे हो ना। अगर यही एसिडिक मीडियम में रहता तो हाइड्रोजन शिफ्ट इधर हो जाता तो 2 डिग्री से 3 डिग्री बनता, तो इसमें कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो नो रीअरेंजमेंट,
रीअरेंजमेंट इसलिए नहीं हो रहा है कि इसमें कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देख लो, एक हम लोग बात करते हैं मार्कोनिकोफ रूल में। मार्कोनिकोफ रूल में हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होता है, जहाँ पर जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की नंबर ज़्यादा होती है। OH कहाँ पर अटैच होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की नंबर कम है। तो देखो ये है ना, तो बेसिकली ये है मार्कोनिकोफ रूल को ये फॉलो करेगा, मार्कोनिकोफ्स रूल इज फॉलोड, ये फॉलोड किया जाता। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी कोई भी स्टीरियो प्रोडक्ट नहीं होगा, नो स्टीरियो प्रोडक्ट्स। इसके भी कारण बताएंगे, यानी ये सीज लें ट्रांस लें तो इसकी प्रोडक्ट जो होगा ठीक है कि नहीं, ओ इनोमसियमर नहीं होगा, इसके मिक्सचर नहीं बनेंगे, इस तरह का स्टीरियो फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा अटैच होने का, इसका भी कारण बताएंगे हम लोग। तो नो स्टीरियो प्रोडक्ट इसका फॉर्म होगा। नो स्टीरियो का मतलब ये नहीं कि अगर कायरल सेंटर है तो वो होगा, लेकिन जो स्पेसिफिक जो होगा ठीक है ना, स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट इसका नहीं होगा, यानी सीन एंटी इस तरह का कोई स्पेशल प्रोडक्ट नहीं होगा, अगर होगा भी तो मिक्सचर होगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, तो वन बाई वन इसको काम करते हैं। ओके नोट करो, अब वन बाई वन करके इसके रीएजेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। रीएजेंट इसमें दो रीएजेंट यूज करते हैं, पहला HgOAC2 वाटर, कभी कभी THF भी लिखा रहता है, ठीक है ना। अब दूसरा जो है वो सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसको देखो क्या है, ये Hg मरकरी, और इसमें दो वैलेंसी हो गया तो मर्क्यूरिक, और इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इस पर एक लोन पेयर और इसमें 5d ऑर्बिटल से वैकेंट रहते हैं, ठीक। तो जिसके कारण यहाँ पर एक वैकेंसी रहेगा और ये दो बॉन्ड ऐसे रहेंगे, और इसी में OAC लगा रहता है, और OAC ऐसा, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, देखो 2, 4, 2, 6 है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है। इसीलिए इसमें एक THF टेट्राहाइड्रेटेड फ्यूरोन यूज कर देते हैं, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, यानी अपना लोन पेयर डोनेट करके, और इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी रहती है, ठीक। तो ये है हमारा मर्क्यूरिक एसीटेट अंडर THF है, ठीक है। OAC का मतलब समझो पहले, OAC का अर्थ ये है, इसे देखें पहले, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग पढ़ते हैं एसेटिक एसिड। अगर ये हाइड्रोजन इससे रिलीज हो जाए तो जो ये काउंटर पार्ट बनेगा वो हमारा ऐसा होगा, इसी को पढ़ते हैं एसीटेट आयन। ये जो ग्रुप जो होता है एसाइल ग्रुप कहलाता है, एसाइल ग्रुप, इसीलिए एसाइल को AC लिखा गया, और यहाँ पर O लिख देते हैं। रियल में ACO का मतलब होता है एसीटेट आयन, और देखो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, और यहाँ पर मरकरी के कितने वैलेंसी हैं, 2, इसीलिए OAC ऐसा अटैच है। एज ए होल इसका नाम है मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट। अब देखो ये हमारा वैकेंट है, इसको कुछ देर के लिए इनकम्प्लीट फुलफिलमेंट किसके द्वारा हुआ है, THF के द्वारा, और ये वैकेंट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। तो मर्क्यूरिक एसीटेट जो खास करके HG जो सोर्स है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ठीक। तो मर्क्यूरिक एसीटेट
इट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना? ओके, तो ये हमारा ऐसे है, वाटर THF का यूज बता ही रहे हैं, और सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है वो एक हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्राइड आयन सोर्स क्रिएट करता है, ये हाइड्राइड आयन का एक सोर्स है, और ये जिस स्पेसीज में ऐड होगा वो रिडक्शन कहलाता है, इसीलिए ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है ना? ओके, इसके देखो एक लंबा चौड़ा नाम है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पहला को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब होती है, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, और मर्क्यूरेशन का मतलब मर्क्यूरी का एडिशन। तो पहला प्रोसेस में ऑक्सीजन और मर्करी का एडिशन होगा, इसलिए ये रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब दूसरे स्टेप में जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो दूसरे रिएजेंट का जब यूज करते हैं तो उसमें हाइड्राइड आयन अटैच होता है, वहाँ पर रिडक्शन होता है, HG का रिमूवल होता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका नेमिंग होता है डीमर्क्यूरेशन, ठीक है ना? और इसको शॉर्ट में हम लोग OMDM भी बोलते हैं। OM बोलेंगे तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, DM बोले तो डीमर्क्यूरेशन बोलेंगे। तो पहले इसको नोट करते हैं, फिर हम लोग मैकेनिज्म लिखते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म। सपोज करो ये एक हमारे पास ये अल्किन है, अनसिमेट्रिकल अल्किन ले लिया, ठीक है? और हम लोग जानते हैं कि जब भी अल्किन रिएक्शन देता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। इसका अर्थ ये है कि इसके रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल का होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के रूप में लेंगे वही मर्क्यूरिक एसीटेट। तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के जस्ट नीचे HG लिखेंगे, और OAC नेबर में, और OAC नेबर में, ठीक। यहाँ पर लोन पेयर दिखा रहे हैं, ये एक ही साथ में यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल और यहाँ पर लोन पेयर, दोनों का एक ही यूज है, ठीक है? या यू इसको ऐसा कर दो, OAC ऐसे दिखा दो, और ये हमारा वैकेंट ऑर्बिटल को इस तरह से, और लोन पेयर को ऐसे, अब ठीक दिख रहा है, ठीक। ये अल्किन खुद में न्यूक्लियोफाइल, ये एक इलेक्ट्रोफाइल का रोल करेगा। तो होगा क्या कि पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करेगा, HG को, यानी पहला एरो हम यहाँ से यूज करेंगे, ठीक, यूज करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कहाँ पर अटैच होता है, उस कार्बन के पास जहाँ पर हाइड्रोजन की नंबर क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है ना? यानी ये HG फर्स्ट में इस कार्बन से अटैच होगा। अगर हम इसको नंबरिंग कर दें तो वन कार्बन पहले HG के साथ ये अटैच हो जाएगा, ठीक। और जैसे अटैच होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर कौन चार्ज आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बोकटाइन के जैसा दिखने लगेगा। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसी इंस्टेंट में ये HG का लोन पेयर ये इसको ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कंप्लीट कार्बोकटाइन नहीं बनता है, बल्कि जैसे जैसे पाई इलेक्ट्रॉन घटता है इसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है या इसके साथ बॉन्ड बनाने लगता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्वायर होने लगता है, उसी इंस्टेंट में उसी ड्यूरेशन में ये HG अपना इलेक्ट्रॉन इसको देने लगता है। यानी मैं ये कहूँगा कि ये दोनों कंसर्टेड रिएक्शन है। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक ही साथ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी इनके साथ बॉन्ड ब्रेकिंग और इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें कंप्लीट कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होता ही नहीं है, बल्कि एक साइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें दो एरो यूज करेंगे, पहला ये, और जब ये खाली हो गया तो ये लोन पेयर जाकर ये ऐसा हो जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कंसर्टेड एंड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का ये एग्जांपल है। कंसर्टेड का मतलब है कि एक ही इंस्टेंट में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी HG और CH के साथ ये, इनके साथ ये ऐसा, ठीक। हमेशा याद रखना है कि HG जो है वो दो ही बॉन्ड बना सकता है। तो जब दो ही बॉन्ड बनाएगा तो
तो इसका अर्थ ये है कि ये इसको तो बॉन्ड को टूटना जरूरी है, एक टूटेगा, क्योंकि जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो नॉर्मली ये दो बॉन्ड बनाएंगे, तो एक इसमें ये बॉन्ड निकल जाएगा, तो ACO- उस सोल्यूशन में चला जाएगा और इनके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये CH, CH2, ये देखो HG और इसके साथ OAC, ऐसा ये जो लोन पेयर है ये इसके साथ तुरंत बॉन्ड बना देगा। अब बॉन्ड बना देगा तो इस पर कौन चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्शियली, ठीक है ना। तो ये एक मर्करिक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाया, ठीक, साइक्लिक इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट तो नहीं, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं ऐसा, ठीक। ये इस तरह का फॉर्मेशन हमारा हो गया। अब देख लो, तीन एटम का ये हमारा एक क्या बन गया, साइकिल बन गया। ये साइकिल अगर बनेगा तो सोचो इसमें कितना ज़्यादा रिंग स्ट्रेन होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन यहाँ पर देखो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री के आसपास है, तो ये हमारा क्या है, इसमें एक रिंग स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन डेवलप होगा तो क्या होगा, ये जल्दी से रिएक्शन देगा, तो उसके पास क्या है, या हम लोगों के पास क्या रखे रहते हैं, वाटर, तो ये H2O। अब देखो H2O है, अब H2O इस पर हीट करेगा, तो क्वेश्चन ये है कि हीट करने के पीछे थीम क्या है, कि ये बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा या तो ये या तो ये, तो पहले ये हीट करने के लिए सिचुएशन ये है कि आप देखो कि जब ये बॉन्ड बना होगा तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया होगा, या HG पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर भी प्लस डेल्टा, इस पर भी प्लस डेल्टा, इसको Δ1 बोल दें, इसको Δ2, तो ज़्यादा चार्ज स्टेबलाइज हमारा कौन होगा, प्लस Δ2 होगा कि नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि वाटर जो होगा वो कहाँ पर हीट करेगा, इस पॉइंट पर, ठीक, तो जहां पर ज्यादा स्टेबलाइज हो वहीं पर ये वाटर हीट करेगा, हीट करेगा तो ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा, यानी CH3CH ये OH2 ऐसे, और ये CH2 और HgOAC ऐसे लिखेंगे, ठीक, और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस सॉल्यूशन में जो एसीटेट आयन जो निकला था, इसके हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट करके क्या निकाल देगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, CH OH CH2 HgOAC। देखो ये अल्कीन से इसमें ऑक्सीजन भी अटैच हो गया और HG भी अटैच हो गया, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर क्यूरेशन। एशन का मतलब एडिशन, ऑक्सीजन और मरकरी दोनों का इसमें एडिशन हो गया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, ऑक्सीमर क्यूरेशन। यहाँ पर ये ठीक है कि वाटर जिस सोर्स से अटैच हुआ उसके अपोजिट में HG है, यहाँ तक ये एंटी प्रोसेस है, ये जो प्रोडक्ट बना ये अभी एंटी पार्ट है, क्योंकि जिस सुर से ये अटैच होगा उसके अपोजिट साइड में ये है, ये हमारा एंटी पार्ट हो गया या एंटी एडिशन हुआ यहाँ तक, और ये कौन सा प्रोसेस हुआ हमारा, ऑक्सीमर क्यूरेशन, पहले इसको नोट करो। अब इस मैकेनिज्म का दूसरा पार्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन में डी का मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ HG, डीमर्क्यूरेशन, और इसके लिए जो सोर्स यूज करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड करते हैं, ठीक। इसका मेन काम क्या है, HIN हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करना, हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करना, ठीक। अब जैसे देखो अभी हम लोगों ने बात किया क्या, ये OH और यहाँ पर CH2 HgOAC। डीमर्क्यूरेशन में मरकरी यहाँ से निकलेगा, मरकरी अगर निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा, क्योंकि इस सोर्स में देखा गया प्रैक्टिकल कि HG निकल रहा है,
तो एच जी जब निकल जाता है कंप्लीट, इसका अर्थ ये है कि अपना जो एक एक इलेक्ट्रॉन जो था वैलेंसी में वो कंप्लीट फुलफिल कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर गया है, तो यहाँ पर क्या है, खाली है, खाली है। तो ये एच माइनस जो किसका सोर्स से आया है, हमारा सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 से ये आया है, और ये यहाँ पर क्या हो गया, अटैच हो गया। अटैच जब होगा तो यहाँ पर देखो, अटैच होने की इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, नो कॉन्फ़िगरेशन। क्यों कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्योंकि ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। नो डाउट इसके रिस्पेक्ट में ये एंटी है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड है, हमेशा रोटेट होते रहता है, तो रोटेट होगा तो ये जाकर जब ये इससे अटैच होगा तो ये जिस साइड में होगा उसी के अपोजिट साइड में ए भी होगा। तो इसका मतलब है कि ये तो हर साइड में होगा, इसलिए ये एच का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कन्फर्म नहीं होगा, और यहाँ पर ये जाकर अटैच हो जाएगा। तो CH3CH ये OH आएगा, और ये CH2 हमारा H। कोई ज़रूरी नहीं कि इनके रिस्पेक्ट में ये एंटी भी होंगे, इनके रिस्पेक्ट में ये सीन भी हो सकते हैं। तो नो डाउट इसके कॉरस्पॉन्डिंग कायरल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ये सीन एंटी नहीं होगा, ठीक है। सीन भी हो सकते हैं और एंटी भी हो सकते हैं, कोई पार्टिकुलर नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बना, ठीक। तो अभी देखो कि ये एच जो है इसकी सोर्स कौन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ध्यान देना है। और इसका जो सोर्स जो है वो कौन है, हमारा वाटर, ठीक है ना। और इसमें हमारा क्या प्रोडक्ट निकल जाएगा, एच जी को मैं यहां लिख देता हूं, और ACO एसीटेट आयन बाई प्रोडक्ट में निकलते हैं। तो ये रहा हमारा मैकेनिज्म ऑफ द OMDM रिएक्शन, बोले तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पहले इसको नोट करते हैं, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। जैसे देखो, अगर हम ऐसा लिखते हैं CH CH2, ठीक, पीछे वाले वीडियो में एसिडिक मीडियम से बताए थे, और यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखें टी वाटर TH, अब दूसरा क्या लिखना होगा हमको, सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये हमेशा बेसिक मीडियम में रहते हैं, ठीक। तो इस तरह से इसमें तो रीअरेंजमेंट होगा, होगा कि नहीं, ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनेगा, 1,2-methyl शिफ्ट करेगा, OH यहाँ अटैच हो गया एकदम, ये ऐसा। क्या इसमें कोई मार्कोनिकॉफ रूल लागू हुआ क्या, तो कोई मार्कोनिकॉफ रूल नहीं, मैंने बताया है मार्कोनिकॉफ रूल कुछ भी नहीं होता है, इट इज़ ए शॉर्टकट फार्मूला, लेकिन सभी जगह अप्लाई नहीं होगा। सभी जगह क्या अप्लाई होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन, ठीक है। इसमें देख लो जो मेन यही है, पहला क्या है, यहाँ OH कहाँ से आएगा, वाटर से, और यहाँ H कहाँ से आएगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट से, कोई रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होगा, ठीक। और ये CH OH, और ये CH2H, ये ऐसा, ठीक। इसमें HG नॉर्मल वे में निकल जाएगा, और एसीटेट आयन ऐसे निकलते हैं, दो एगो है तो दोनों ऐसे निकल जाएगा, ठीक। तो ये कहानी ऐसा हो गया। दूसरा देखो, इस तरह से इसी को देखते हैं, HgOAC2, और यहां पर हम D2O लिख दिए THF, और दूसरा लिख दिए सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। तो D2O क्या प्रोड्यूस करेगा, OD, और ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो मार्कोनिकॉफ के अनुसार यहाँ OH और यहाँ H, तो OH यहाँ पर अटैच होगा, H यहाँ पर अटैच होगा, ठीक। तो ये OD यहाँ पर और H यहाँ पर ऐसा, ठीक। तो ये इस तरह से ये बनेगा प्रोडक्ट।
तो पहले इसको नोट करो, जगह कम है। दूसरा बन, एक और देखते हैं ऐसा, ये भी अनसिमेट्रिकल है। इसमें अगर हम एच जी ओ ए सी टू वाटर टी एच एफ और दूसरा क्या है सोडियम बोरोहाइड्रेट, इसमें कुछ करना नहीं है, एच यहाँ ओ एच यहाँ। लेकिन यही एसिडिक मीडियम रहता, वाटर का साथ एडिशन होता तो रिंग का एक्सपेंशन होता कि नहीं? ऑफ कोर्स होता, ठीक है ना। तो रिंग का एक्सपेंशन होता, अगर हम इसी को H प्लस वाटर को ऐड कर दें तो ये हमारा CH3OH ऐसा बनता है ऐसा, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है H पॉजिटिव चार्ज, ये बाउंड ब्रेक होगा, ये पांच एटम का ये बनता, ठीक है कि नहीं। वन टू हाइड्राइड शिफ्ट होगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनता, OH यहाँ पर अटैच होगा। और इनमें कुछ भी नहीं, ये जैसा है ओ सिंपल हमारा वैसा ही होगा। तो यहाँ OH और यहाँ हमारा एच अटैच हो जाएगा, ठीक। और ये ध्यान देना है कि इसमें देख लो कायरल सेंटर है कि नहीं, तो इसके एक R और एक S कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसमें H और OH में कोई सीन एंटी नहीं होगा, लेकिन अगर एक कायरल सेंटर अगर ये बनता है तो ये हमारा दो प्रोडक्ट होगा R एंड S, ठीक। इक्वल अमाउंट में होगा, सॉल्यूशन हमारा रेशमिक हो जाएगा, इसमें ऐसा देखो, ठीक है ना। ओके, नोट करो पहले। अगर ऐसा कोई बात है CH2 CH CH2, ठीक, ये एल्कीन है, अगर हम इसकी OMDM रिएक्शन कराएं, OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, रिएजेंट ये है और H प्लस वाटर का कराएं, तो OMDM में इससे कोई लेना देना नहीं, बस अनसिमेट्रिकल है, H यहाँ OH यहाँ, बस। OMDM का प्रोडक्ट जो होगा, OMDM का प्रोडक्ट सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा, CH2 CHOH और ये हमारा CH3। देखो एक नया कायरल सेंटर बना, तो इसके R एंड S दो प्रोडक्ट हो गए, लेकिन ये OH और ये H का कोई एडिशन सीन एंटी जैसा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात अगर देखें तो क्या हो सकता है, H यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ वन टू हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकैटायन ये देगा और ये टू डिग्री, तो वन टू शिफ्टिंग होगा कि नहीं, तो यहाँ पर H अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट जो होगा वन टू शिफ्टिंग के बाद वो ऐसा आएगा CH2CH3, ठीक है ना, ये ऐसा बनेगा और इसके बाद वाटर यहाँ पर अटैच होगा। तो कार्बोकैटायन है, sp2 है, प्लेनर है, दोनों साइड से इक्वल अमाउंट में ऐड होगा और ये क्या बनाएगा CHOH CH2CH3। देख लो ये कायरल सेंटर है कि नहीं, तो ए भी आर एंड एस दो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक। तो पहले इसको नोट करो, मान लो कोई इस तरह का एक रिएक्शन है, ये कार्बन CH2 डबल बॉन्ड, ये इथाइल ग्रुप, ठीक है, ओके। तो इसकी पहले बात करते हैं HgOAC2 वाटर THF और दूसरा हमारा NaBD4 सोडियम बोरो ड्यूटरेट है, हाइड्राइड नहीं है ये, तो बस ये अनसिमेट्रिकल है, बस इससे काम है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमारा मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार यहाँ D और यहाँ OH, तो
तो डी का सोर्स जो है वो सोडियम बोरो है, OH का सोर्स वाटर, तो इसमें कुछ करना नहीं है। इस तरह से ये यहाँ पर CH2 लिख दूँ तो डी, और यहाँ पर हमारा क्या होगा OH। और जब देखना प्रोडक्ट तो क्या कायरल सेंटर है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स है कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर है तो इसका एक पार्ट R और दूसरा पार्ट क्या बनेगा S। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ ये OH और D ये सीन एन टी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं होंगे, ठीक है, बट ये कायरल सेंटर ये होगा। अगर यहीं पर H प्लस और वाटर ऐड कर दें तो क्या होगा, तो यहीं पर बताते हैं H तो यहाँ पर जैसे CH2 डबल बॉन्ड था ना, H यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो H यहाँ पर अगर अटैच हो गया तो इसको ऐसा करते हैं D प्लस D2O लिख देते हैं, मान के चलो और अच्छा लगेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है D प्लस कहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर हाइड्राइड है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होकर ये कार्बोकटायन कहाँ पर चला जाएगा, इसके अपर पार्ट पर, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये CH2D ऐसा रहेगा, रहेगा कि नहीं, और यहाँ पर D2 अटैच होकर OD अटैच हो जाएगा, होगा ये OD और ये CH2D, देखो ये भी एक कायरल सेंटर हुआ कि नहीं, ठीक है, ये भी एक कायरल सेंटर हुआ, और गौर से देखो ये भी एक कायरल सेंटर हुआ, दो कायरल सेंटर हो, तो टू कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग, लेकिन कभी भी OD और D का कोई सीन एंटी नहीं होगा, तो दो का है तो इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे, चार बनेंगे। तो इस तरह से हम लोग फाइनल प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। मैं आपको एक बार रिकैप करता हूँ एक मिनट के अंदर, इस रिएक्शन को OMDM रिएक्शन भी बोलते हैं। ये अल्कीन से अल्कोहल बनता है, ये इनडायरेक्टली प्रोसेस होता है। इनडायरेक्टली का मतलब ये होता है कि वाटर तो ऐड होता है, लेकिन एक ही वाटर से HOH नहीं आता है, बल्कि एक वाटर से OH आता है और H का सोर्स NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट से होता है, ठीक है ना। इसमें कोई कार्बोकटाइन नहीं बनता है, कार्बोकटाइन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है, मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करेगा। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन की नंबर ज़्यादा होगी, ठीक है, और इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है। H और OH जो है वो कभी भी सीन एंटी नहीं होंगे, ठीक है, और इस तरह से हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू।